और अब एक बड़ा सवाल यह है कि क्या हमास इस्लामिक राज चाहता है, और सवाल यह भी है कि क्या गैर मुस्लिमों को मारना ही जिहादियों का, कट्टरपंथियों का इकलौता मकसद है, क्योंकि एक नया प्लान हमास का सामने आया है। बिल्कुल, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं किस तरीके से दुनिया को धराने की साजिश अब रची जा रही है। रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी स्टोरी बताते हैं। हमास के लड़ाकों का फतवा, गज़वाए दुनिया प्लान क्या? मेआज़ ख़िलात अतिमून अकरकई השמדנו אין ספור מפקדות, מנהרות, בסיסים, מתקנים של החמאס. क्या दुनिया पर इस्लामिक राज चाहता है हमास? क्या गैर मुस्लिमों को मारना ही जिहादी कट्टरवादियों का मकसद है? क्योंकि जिस आतंकी गुट ने 7 अक्टूबर को इसराइल में कत्लेआम किया, यहूदी, क्रिश्चियन समेत अलग अलग धर्मों को मानने वाले करीब 700 लोगों को मौत के घाट उतारा, उस हमास के जिहादी मंसूबे अब खुलकर सामने आ चुके हैं। نعم انا اوصي اولا يعني الاخوه المجاهدين في سرايا القدس ان يستمروا في عملهم المقاوم। इनकी भाषा तो शायद आप समझ न पाए, मगर माथे पर सवार कट्टरवाद का जुनून तो समझ ही सकते हैं। गज़वाए दुनिया का इनका मकसद भी आपको बताएंगे, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि हमास के लड़ाकों ने ये वीडियो जारी कर इसराइल समेत तमाम देशों के यहूदियों और ईसाइयों को मौत की धमकी दे दी है। والله لو اخرجنا اليهود من فلسطين لو اخرجناهم من فلسطين واخرجناهم من بيت المقدس دون ان يسلموا ولو ذهبوا اخر العالم سنلاحقهم। इन्हीं नापाक इरादों को नेस्तनाबूद करने के लिए नेतन्याहू ने हमास के खात्मे का प्रण किया। 10 महीने से वो हमास के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। हमास के किए की सजा 40,000 फिलिस्तीनियों ने भुगती है। जंग में इतने लोग मारे जा चुके हैं, मगर हमास अपने कट्टर एजेंडे से हट नहीं रहा है। ये वीडियो उसी का सबूत है। कई मुस्लिम मुल्कों के बीच खड़ा इसराइल हमास, हिजबुल्ला और हूती जैसे चरमपंथियों के निशाने पर हैं, लेकिन इस्लामिक राज की ये सोच किस कदर कई देशों को जंग की आग में झोंक रही है या बर्बाद कर रही है, उसके सबसे बड़े उदाहरण ईरान से लेकर लेबनान तक है। यानी हमास और हिजबुल्ला जैसे कट्टरवादी अगर अपने एजेंडे से पीछे नहीं हटे तो उनका तो समूल नाश होगा ही, साथ ही इन इस्लामिक चरमपंथियों का साथ देने वाले उन मुल्कों का भी विनाश हो सकता है जो अब इसराइल से लेकर अमेरिका के निशाने पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए, इसराइल ने हमास का समूल नाश करने की ठान ली है, और यही वजह है कि इसराइल की तरफ से एक के बाद एक हमले जो हैं वो हमास पर किए जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच इसराइल को अल्टीमेटम भी मिल गया है। बिल्कुल, क्योंकि दोनों तरफ के लोगों की अगर बात करें तो वो युद्ध झेल रहे हैं। इस बीच अब दुनिया जो है वो इसराइल पर यानी नेतन्याहू पर युद्ध को रोकने का दबाव बना रही है। कैसे, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। नेतन्याहू के लिए अब हालात करो या मरो जैसे हैं। क्या हमास का समूल नाश करने की ठान चुके नेतन्याहू को अपनी रणनीति बदलनी होगी? इन सवालों की वजह है इसराइल पर बढ़ता चौतरफा दबाव, जो उसे हमास के खिलाफ युद्ध में आम लोगों की मौतों की वजह से झेलना पड़ रहा है। चाहे अपने देश में हो या दुनिया में, नेतन्याहू पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। नेतन्याहू को रोकने की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। इनमें सबसे आगे खुद को खड़ा कर रहे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने मीडिया के सामने जंग पर एक बड़ा बयान दे दिया है। I did encourage him to get this over with. You want to get it over with. It has to get over with fast. But have victory, get your victory and get it over with. It has to stop. The killing has to stop. ट्रंप ने जुलाई में अपनी मीटिंग का हवाला देते हुए दावा किया है, क्योंकि पिछले महीने नेतन्याहू ने अमेरिका दौरे के दौरान ट्रंप से मुलाकात की थी। दोनों के बीच इस बातचीत से जंग रोकने की संभावना जरूर दिख रही है, मगर हमास को बख्शने की नहीं, क्योंकि ट्रंप ने भी ऐलान किया है, जीत हासिल करो।
इस बीच पीएम मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री के बीच भी फोन पर बातचीत हुई। इस दौरान मोदी ने पश्चिम एशिया में तनाव कम करने को कहा है, साथ ही बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम पर भी दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। उधर इजरायली मीडिया के एक सर्वे के मुताबिक लोग नेतन्याहू से नाराज बताए जा रहे हैं। सर्वे में दावा किया गया है कि करीब 75% इजरायली चाहते हैं कि नेतन्याहू प्रधानमंत्री का पद छोड़ दें, या तो अभी या फिर जंग खत्म करने के बाद, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि नेतन्याहू निजी फायदे और पद पर बने रहने के लिए युद्ध खत्म करना नहीं चाहते, मगर नेतन्याहू नाटो देशों के साथ इंतकाम के किसी बड़े प्लान पर काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं तुर्की की संसद की। संसद में जबरदस्त संग्राम हुआ, क्योंकि तुर्की की संसद एक तरह से जंग के मैदान में उस वक्त तब्दील हो गई जब सत्ता पक्ष के सांसद और विपक्ष के सांसद आपस में भिड़ गए, नौबत मारपीट तक आ गई। बिल्कुल, और यही नहीं, देखिए सांसदों पर खून तक सवार हो गया था। उस वक्त कैसा नजारा था जब सांसद आपस में भिड़ते हुए नजर आए, और कैसे जंग का अखाड़ा संसद बन गया है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा दें। नहीं नहीं नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, ये कोई WWE का मुकाबला नहीं है, ना ही फ्री स्टाइल कुश्ती का कोई मैच चल रहा है, ना जंग का मैदान है, ना मुक्केबाजी की कोई प्रतियोगिता। तो फिर ये चल क्या रहा है जहां सूट बूट और टाई पहने लोग एक दूसरे का मुंह तोड़ने पर आमादा है। दनादन मुक्के बरस रहे हैं, इन लोगों के माथे पर खून सवार आखिर क्यों है? ये तुर्की है जनाब, मिडिल ईस्ट का एक बड़ा इस्लामिक देश जो इसराइल और हमास युद्ध में भी एक बड़ा प्लेयर है, मगर उस देश के संसद में एक महायुद्ध छिड़ गया। लड़ने वाले भी कोई अरे गहरे नहीं बल्कि सांसद हैं, जिन्हें जनता ने यहाँ चुनकर भेजा है। सोचा था जनता के काम करेंगे, उनके मुद्दे उठाएंगे, मगर उठा क्या रहे हैं, एक दूसरे पर लात घूंसे चला रहे हैं। एर्दोगन के देश में जिन सांसदों को जनता के लिए कानून बनाने होते हैं, वो सांसद एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। यकीन नहीं आता तो संसद की सीढ़ियों पर पड़े इन खून के छींटों को देख लीजिए। आखिर क्यों तुर्की की संसद में सांसदों का खून बहा? उसकी वजह है विपक्ष के सांसद अहमद सिक का वो विवादित बयान, जिसमे वो पोडियम पर खड़े होकर एर्दोगन की पार्टी को आतंकी संगठन बता गए। क्योंकि सिख की पार्टी के एक सांसद हैं अताले, जो जेल में बंद थे, उन्होंने सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया तो जेल में डाला और फिर 18 साल की सजा हो गई। एर्दोगन ने बिल लाकर संसद से उनकी सांसदी खत्म करने का फैसला किया तो तुर्की की सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला पलट दिया और अताले की जेल से रिहाई के आदेश दे दिए। संसद में अदालत के इसी फैसले पर बहस चल रही थी, अताले की ही पार्टी के नेता अहमद सिक भाषण दे रहे थे और उन्होंने तभी सत्ताधारी पार्टी को ही आतंकी गुट बता दिया, तो एर्दोगन के सांसद भड़क गए और अहमद सिक पर हमला बोल दिया। फिर क्या था, करीब 30 मिनट तक संसद में ऐसे ही लात घूंसे चलते रहे जिसमें 3 सांसद घायल हो गए। हाथापाई के चलते संसद की कार्रवाई को 3 घंटों से भी ज्यादा के ब्रेक के बाद फिर शुरू किया गया। स्पीकर ने जमकर सांसदों को फटकार भी लगाई, लेकिन होगा क्या, कुछ दिन पहले भी ऐसी ही लड़ाई में तुर्की के एक सांसद की नाक टूट गई थी और संसद में ऐसी लड़ाई ने अब दुनिया भर में तुर्की की नाक कटा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।